हेलो फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो भाइयों के विवाद में क्या से क्या हो सकता है, इस वीडियो के माध्यम से वही बताऊं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर उनका उम्र 5 साल है तो कोई बात नहीं है, पर अगर उनका उम्र 35 साल है तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, वीडियो के माध्यम से वही आपको बताऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का स्टोरी बहुत सिंपल होने वाला है। तो भाइयों के बारे में कहानी है। हाँ, ये दोनों भाई 35-36 साल के रहते हैं, 5 साल के रहते नहीं है। ये दोनों बच्चे नहीं है, बड़े हो चुके हैं। दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हैं, इसके बारे में क्या आपको पता है? ये दोनों इसलिए झगड़ा कर रहे हैं क्योंकि दोनों को अपने पिता के संपत्ति में हिस्सा चाहिए, इसीलिए दोनों झगड़ा कर रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, संपत्ति बहुत गंदा चीज होता है। अगर कोई भी इंसान के अंदर में लालच हो किसी भी चीज का, एक बात हमेशा याद रखिएगा, वो कभी दूर तक जा नहीं पाएगा। वो हमेशा वहीं पर फंस के रह जाएगा जहां पर वो है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको अपने भीतर का लालच को खत्म करना पड़ेगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, तब जाके वो समझ में आएगा। दोनों भाई तो झगड़ा कर रहे हैं, इस प्रकार से झगड़ा कर रहे हैं। जब उनके पिताजी उन्हें देखते हैं तो जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये देखने के बाद दोनों भाई अचंभा हो जाता है, चौंक जाता है। अपने पिताजी से कहता है, आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों हंस रहे हैं, आप क्या हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? पिताजी कहते हैं, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। अगर तुम्हें संपत्ति में इतना इंटरेस्ट है, चलो मैं तुम्हें रजवाड़ा का संपत्ति दिखाता हूं जो मेरे पास में है। तुम्हें इसके बारे में पता भी नहीं है, इतना संपत्ति है, तुम देखकर तुम पागल हो जाओगे। अगर तुम्हें सही में देखना है तो कल सुबह में दोनों मेरे संग में चलना। इतना सुनते दोनों के मन में लालच आ जाता है। वो दिन बीत जाती है, सुबह हो जाती है। पिताजी के संग में दोनों कार में निकल जाते हैं। 8-10 घंटे का सफर तय करके वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन लोगों का रजवाड़ा का संपत्ति है। इतना बड़ा संपत्ति है, इसके बारे में कोई कह नहीं सकता है। पिता उन दोनों को लेकर हवेली के सामने जाते हैं और कहते हैं, देखो ये हवेली को तुम ध्यान से देखो, जब तुम 5 साल के थे ना, तुम्हारा यहीं पर पालन पोषण हुआ है, यहीं पर सब कुछ हुआ है। इसीलिए मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ, तुम एक छोटा संपत्ति के लिए इस प्रकार से लड़ रहे थे, यहाँ पे देखो इतना बड़ा संपत्ति है। वो दोनों देखकर चौंक जाते हैं और पिताजी से कहते हैं, आपके पास इतना बड़ा संपत्ति कैसे आया? पिताजी अपने जवानी का कहानी बताते हैं, जब वो 35-36 साल के थे, तो पिताजी के भाई ने वो संपत्ति उसके पिताजी को दे दिया और कहा, हम दोनों का संबंध आज से खत्म हो गया, इसीलिए मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। और वो जगह छोड़कर वहां से कहीं और चले गए। उसके पिताजी कहते हैं, मुझे संपत्ति तो मिल गया, पर क्या मैं ये संपत्ति को लेकर अचार डालूंगा? मेरा जो अनमोल भाई था वो मुझे छोड़कर चला गया और उसके बाद आज तक हमारा बातचीत हुआ नहीं है। मुझे पता भी नहीं है कि इस दुनिया में जीवित है या नहीं। इसलिए मैं तुम दोनों को बस इतना कहना चाहता हूँ, तुमको जितना संपत्ति चाहिए तुम ले लो, फर्क नहीं पड़ता है। पर लड़ने के चक्कर में एक दूसरे को खोने का कोशिश मत करना, क्योंकि ये जो जीवन है इसका कोई मोल नहीं है। आज यहाँ पे इंसान जीवित है, एक क्षण में इंसान मर सकता है, इसीलिए लालच करने की जरूरत क्या है? लो, तुम्हें जितना चाहिए तुम ले लो। इतना देखने के बाद दोनों भाई लज्जित हो जाते हैं और कहते हैं, पिताजी हमें कुछ भी नहीं चाहिए, जितना भी हमारे पास में है वो बहुत है, उससे ज्यादा मुझे जरूरत नहीं है। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ, हम दोनों आपसे इतना वादा करते हैं, हम आज कल कभी लड़ाई नहीं करेंगे, कभी भी लालच नहीं करेंगे। सो फ्रेंड, मैं आपको इस कहानी के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, शायद आपको समझ में आ गया होगा, 5 साल के बच्चे में 35 साल के बच्चे का जो लड़ाई होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इंसान 5 साल का हो या 35 साल का फर्क नहीं पड़ता है, इंसान के अंदर में लालच होना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर 5 साल का बच्चा उसके मन में लालच है तो एक छोटा सा बचपना सा बात है, कोई बड़ा बात नहीं है। लालच हर इंसान के मन में होता है, पर अगर 35 साल के इंसान के अंदर में लालच है तो लालच उसे भीतर ही भीतर खा जाएगा, खत्म कर देगा। क्योंकि जो लालच का भूख होता है वो कभी खत्म होता नहीं है, वो कुएं के समान होता है। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आपको क्या करना है ये आपको सोचना है। आपका लाइफ में जो भी डिसीजन है ये आपको लेना है। जैसा आपका आज डिसीजन होगा वैसा ही आपको कल फल मिलेगा। अभी आपको ऐसा लग रहा है हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपका कर्म सही है तो भगवान आपके संग में है। कभी भी गलत रास्ते में जाने के लिए कोई शॉर्टकट लेने की जरूरत नहीं है, हार्डवर्क करके सही रास्ता पर चलने की जरूरत है। आपकी लाइफ में कभी ऐसा भी होगा कि आप स्टेबल नहीं रहिएगा, उस समय का बात कर रहा हूँ, आपको स्टेबल रहने की जरूरत नहीं है, आपको अपने बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपको दूर तक जाना है तो आपको इस प्रकार से सोचना है कि हमें कुछ करना है, हम लोगों के लिए कुछ करना है, अपने लिए नहीं करना है, सबके लिए करना है। क्योंकि इस दुनिया में जो इंसान औरों के लिए सोचते हैं, भगवान उनके लिए सोचते हैं, और जब भगवान सोचते हैं तो उनके लाइफ में कभी दुख रहता नहीं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, दुख उस रात के समान है जो काला तो हो सकता है, पर जब सूरज उगता है तो अंधकार कहाँ गायब हो जाता है किसी को पता नहीं रहता है। इसलिए टेंशन मत लीजिए, आपको अपने लाइफ में बने रहने की जरूरत है, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपका जो हिम्मत है वही आपको आगे लेकर जाएगा और इस प्रकार सक्सेस बनाएगा। जो समझ में आएगा नहीं सक्सेस आपको कैसे मिला। आज के लिए बस इतना ही। आपके चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब बटन प्रेस करें और वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स शेयर करें। थैंक यू।